हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम टू शिक्षा सो गाइस यू ऑल आर अवेयर कि यूपीएससी ईपीएफओ एओ ईओ एपीएफसी का एग्जाम नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है एंड चार पांच महीने का आपके पास टाइम है वो हमने एक एस्टिमेशन लगा लिया था कि एग्जाम कम होगा उसका वीडियो मैंने डाल दिया ऑलरेडी तो जितना भी टाइम है अपने को तो प्रिपेयर करना है, है ना? एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन भी होते हैं ना जैसे आपके सिलेबस के अंदर पॉलिटी है ठीक है इकोनमी है ओके okay, या मैं इनफैक्ट बात करूं इंडस्ट्रियल रिलेशंस जैसे टॉपिक्स की भी तो बहुत ज्यादा इफेक्ट इनके ऊपर आता है करंट का तो स्टैटिक क्वेश्चन भी करंट है दिखते हैं तो करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन लेकर के चलो कि अप टू ट्वेंटी क्वेश्चन तक भी जा सकता है रहने को कम भी रह सकता है होने को इससे ज्यादा भी हो सकता है ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज को हम कवर करें अब जब की हम तैयारी करते हैं एओ एपीएफसी की तो करंट अफेयर्स कहां से करें समझ में नहीं आता कोई आपको कहेगा कि यार बैंकिंग के करंट अफेयर्स कर ले जो बैंक के एग्जाम्स के लिए होते हैं कोई आपको कहेगा जो सिविल सर्विसेज में आईएएस वगैरह के एग्जाम होते हैं उसके करंट अफेयर्स कर ले दोनों बिल्कुल गलत है जी ना तो ये बिल्कुल ही बैंक के करंट अफेयर्स के टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे ना सिविल सर्विसेज एक मिडल पाथ आपको पकड़ना पड़ेगा और वो मिडल पाथ बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यार ये पाथ क्या है ठीक है करंट अफेयर्स आपको हर तरह के करने पड़ेंगे आपको फैक्चुअल करंट अफेयर्स भी करने पड़ेंगे आपको थोड़े से एनालिटिकल अगर कोई कहता है कि यार इसमें तो बिल्कुल भी एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा ही नहीं है सिविल सर्विसेज का पेपर नहीं है तो वो भी बिल्कुल गलत कह रहा है उतना एनालिटिकल नहीं होगा जितना सिविल में होता है बट यूपीएससी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे तो एक फाइन बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज के अंदर और इसके अंदर अगर बैलेंस बन गया तो डबल फायदा होता है एक तो पेपर की तैयारी हो रही है और दूसरा बच्चे का टाइम बहुत बच जाता है नहीं तो करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज के टॉपिक ऐसे होते हैं कि अल्टीमेटली बच्चे का इसके अंदर टाइम इतना चला जाता है कि वो बाकी सब्जेक्ट उसके प्रिपेयर ही नहीं हो पाते तो करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो 100 परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज आप चाहे कहीं और से बिल्कुल मत करो करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज के मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा कोशिश ये रहेगी कि आपको 800 हंड्रेड टू वन थाउजेंड एमसी हम कराएं ठीक है ये हमने पिछली बार भी शुरू किया था पर पिछली बार हम थाउजेंड एमसीक्यूज कवर नहीं कर पाए थे बिकॉज कोविड कोविड की सिचुएशन आ गई थी आई गॉट एंड वो सारी प्रॉब्लम्स थी बट इस बार हम uh, चाहे जो भी हो जाए एट टू वन थाउजेंड का टारगेट रखेंगे हर वीडियो के अंदर डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पांच से दस क्वेश्चन के बीच में हम हर लेक्चर के अंदर करेंगे ठीक है और हर क्वेश्चन को डिटेल के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एमसीक्यू फॉर्म के अंदर ही करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे तो करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज के लिए आप मेरे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रह सकते हो अभी जो हम करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं वो हम अक्टूबर ट्वेंटी से शुरू करेंगे ठीक है अक्टूबर ट्वेंटी से शुरू करेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर ठीक है ऐसे हम जो है करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज के टॉपिक जो है कवरअप करेंगे ओके और अगर हमारे एग्जाम डेट उससे पहले जुलाई या अगस्त की आ गई तो फिर हम जुलाई 2022, अगस्त 2022 और सितंबर 2022 भी कर लेंगे एक साल के करंट अफेयर्स हमने करने हैं टारगेट लेकर के बहुत से लोग कहेंगे चार महीने के कर लो छह महीने के कर लो वो आपकी इच्छा है मेरी रिकमेंडेशन है एक साल के करंट अफेयर्स मिनिमम आपको कवर करने हैं अगर आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ठीक है तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज का और शुरू करने से पहले एक लास्ट बात पीडीएफ फाइल आपको इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में है पीडीएफ एज जो पहले भी प्रोसेस था कि एक माइन्यूट सा उसका चार्ज रखा है ओनली नाइनटी नाइन रुपीज वो नाइन्टी नाइन रुपीज अगर आप पे करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द पीडीएफ फाइल्स एक सीरियसनेस के लिए और जो बच्चों ने एमसीक्यू कोर्स खरीदा हुआ है जिनका पिछली बार जिन्होंने खरीदा था उनका कोर्स भी वैलिड रहेगा जो भी अपडेशन होंगी वो उनके कोर्स में ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और पीडीएफ फाइल्स भी उनके कोर्स में एडिट रहेंगी उनको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ बंधवगढ़ के अंदर एक दो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि ये न्यूज में रहते हैं कुछ ना कुछ इनके ऊपर न्यूज आता रहता है करंट अफेयर आता रहता है तो ये टाइगर रिजर्व वेटलैंड नेशनल पार्क वगैरह ये एक साथ एक लेक्चर में नहीं पर थोड़ा 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 हम डालते रहेंगे ताकि ये भी आपके माइंड के अंदर चिपकते रहे तो बंदवगढ़ टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ बिल्कुल सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है या तो आता है या नहीं आता है इसके अंदर ना तो कोई तुक्के का स्कोप होता है ना ऐसा होता है कि हाँ भी गेस्ट वर्क करके हो जाएगा ठीक है तो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका कौन सी स्टेट के अंदर है ए महाराष्ट्र बी एम पी सी कर्नाटका एंड डी ओडिशा द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर विल बी ऑप्शन बी मध्य प्रदेश अच्छा आंसर कर रहे हो ना जब लाइव सेशंस तो हम करेंगे इसके मॉक टेस्ट की फॉर्म में बट जो रिकॉर्डेड सेशन है उसके अंदर पहले वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करो और वीडियो के लास्ट में ये भी देखना कि कितने सही हुए और कितने गलत और कितने स्किप किए हैं तो मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर एंड बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर बॉर्डर पर है मध्य प्रदेश के एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस को भी बॉर्डर करता है अभी ये न्यूज में इसीलिए था अक्टूबर मंथ में क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो बंदवगढ़ टाइगर रिजर्व है ना इसके अंदर कुछ 26 बुद्धिस्ट केव्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है ठीक है तो ये बेसिकली न्यूज थी और इसीलिए बंदवगढ़ टाइगर रिजर्व न्यूज में था ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई लोग आपको कहेंगे कि ईपीएफओ के एग्जाम में आएगा ही नहीं लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे और अल्टीमेटली यूपीएससी ने कहीं पर भी अपनी नोटिफिकेशन में वो ये नहीं लिखता है कि हम इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो इसीलिए बीच बीच में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें करने हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम करने का एक फायदा और ये होता है कि अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के थ्रू ना आपका क्वेश्चन के डिफरेंट एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं ये बहुत ज्यादा न्यूज में था दो अक्टूबर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको प्लीज तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट अवेलेबल टू मैरिड वुमेन अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेस एक्ट नाइन सेवेलेबल टू अनमैरिड वुमेटेड क्वेश्चन है कि जो राइट पहला स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है कि जो राइट्स मैरिड वुमन को अवेलेबल है वो अनमेरिड वुमेन के लिए भी अवेलेबल है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी द मीनिंग ऑफ रेप ऑल्सो इंक्लूड मैरिटल रेप ओके सो बेसिकली यहां पर जो रेप का मीनिंग है अगर आप मेडिकली टर्मिनेट करना चाहते हो प्रेगनेंसी को तो उसमें मैरिटल रेप भी इंक्लूड होगा अगर हस्बैंड वाइफ को रेप करता है तो दैट विल ऑल्सो भी काउंटेड एज रेप इस स्टेटमेंट का मतलब यह है रिप्रोडक्टिव चॉइस ऑफ वुमेन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तीसरा कहता है कि जो रिप्रोडक्टिव चोसामेंटल right आपको बताना है कि से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है यूपीएससी के लेवल के एग्जाम्स के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है क्वेश्चन को समझना जिसने क्वेश्चन को समझ लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली तो क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट्स मैंने आपको समझा दिया आपको बताना है करेक्ट कौन सा है करेक्ट इनकरेक्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है पेपर के अंदर तो देखो जी यहां पर आपका आंसर क्या होगा पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे और फिर आंसर देखेंगे तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वन टू थ्री तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है जो राइट मैरिड वुमेन के लिए अवेलेबल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर वो अनमैरिड वुमेन के लिए भी है ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि ये राइट right सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए है दूसरा अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी है द मीनिंग ऑफ रेप में मैरिटल रेप भी आ जाएगा बाकी किसी कानून में मैरिटल रेप को कंसिडर नहीं किया जाता है इंडिया के अंदर अभी तक बट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर मैरिटल रेप को भी रेप के मीनिंग में इंक्लूड किया जाएगा और जो वुमेन की रिप्रोडक्टिव चॉइस है वो राइट टू लाइफ आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन क्या है राइट टू लाइफ ये राइट टू लाइफ किसकी बात करता है ये वुमेन के रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के राइट की बात भी करता है न्यूज में क्यों था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अबॉर्शन से रिलेटेड रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेफ और लीगल अबॉर्शन अपू ट्वेंटी फोर वीक्स तक करा सकते हो अनमैरिड एंड सिंगल वुमेन कैन सिंगलो गो फॉर दिस ओके ट्वेंटी इसके अलावा कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी कोर्ट कहता है कि देखो जी जो मैरिड वुमेन को राइट right अवेलेबल है वो अनमेरिड वुमेन को भी होना चाहिए आप इस तरीके से डिफरेंसिएशन नहीं कर सकते कि आप मैरिड वुमेन को तो राइट right दे दो पर अनमेरिड वुमेन को ना दो ठीक है अगर आप किसी भी तरह का डिफरेंसिएशन कर रहे हैं मैरिड और अन वुमेन में अबॉर्शन लॉस के अंदर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल चीज है और वो सिर्फ और सिर्फ एक पुरानी मानसिकता दिखाती है हमारे समाज में और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें इस पुरानी मानसिकता से आगे बढ़ने की जरूरत है जिसकी वजह से हमें ये मैरिड और अनमेरिड वुमेन के अंदर जो डिफ्रेंसिएशन है इसको खत्म करना होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर अगर मैरिटल रेप है तो उसको भी रेप की डेफिनेशन में लेकर क्या राइट है वो आप वुमेन को दें रेप का अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन है तो उसका वुमेन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है तो उससे मेंटल फिजिकल हर तरह का हार्म होता है वुमेन को एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन टू मेक हर ओन चॉइसेस जो उसका फंडामेंटल राइट right है एज पर आर्टिकल ट्वेंटी बातें वाली क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा एबीसीडी क्वेश्चन पूछ ने अपनी रिसेंट रूलिंग में जो राइट टू सेफ एंड लीगल एबोर्शन है उसको कितने वीक्स तक एक्सटेंड कर दिया ऑप्शन ए ट्वेंटी वीक्स बी ट्वेंटी फोर वीक्स सी ट्वेंटी थर्टी टू वीक्स टाइप से क्वेश्चन बनाकर वो दे सकता है तो आपको रेडी रहना उसके लिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये हर साल न्यूज में आता है और हर साल के लिए इम्पोर्टेंट होता है 2022 में रिलीज हुआ था अभी अक्टूबर में आपको बताना इनमें से कौन सा इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का हर टाइप के इंडेक्स के कुछ हर रिपोर्ट के कुछ इनके इंडेक्सिस होते हैं जिसके बेस पे बेसिकली इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है तो आपको बताना जी में कौन है पहला है पॉलिटिकल एनवायरमेंट दूसरा फंडिंग फॉर रिसर्च तीसरा हाइयर एजुकेशन एनरोलमेंट रेट और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस सफिस्टिकेशन अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताएंगे ए टू एंड थ्री ओनली बी टू थ्री फोर सी वन एंड फोर डी वन टू एंड थ्री क्या आंसर सही होगा यहां पर तो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर विल बी ऑप्शन सी वन एंड फोर सिर्फ पॉलिटिकल एनवायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस सफिस्टिकेशन इसके इंडाइसिस में आता है तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा पता कर लें ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको पब्लिश करती है सीधा क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट और द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक ऑप्शन बी ओईसीडी ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑप्शन डी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बन गया कि नहीं बन गया क्वेश्चन बिल्कुल बन गया क्वेश्चन तैयार हो गया आपका ये क्वेश्चन तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। 81 इंडिकेटर्स हैं हैं। इसके अंदर टोटल, ओके, okay, जो बेसिकली इनोवेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस वगैरह को करते हैं. खास बात यह थी कि इंडिया पहली बार टॉप फोर्टी कंट्रीज के अंदर आया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स परफॉर्म किया है 2021 में फोर्टी सिक्स था तो रैंक हमने इंप्रूव किए हैं ठीक है थीके, इंडिया जिन इंडेक्सेस में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है वो है आपके वेंचर कैपिटल रिसिपेंट वैल्यू फाइनेंस फॉर स्टार्टअप्स ग्रेजुएट्स इन साइंस लेबर प्रोडक्टिविटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ये याद करने की जरूरत नहीं है कोई नहीं पूछने वाला सिर्फ और सिर्फ आपकी एक बेसिक नॉलेज बिल्डअप करने के लिए है ओके उसके बाद टॉप किसने किया है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है पूछ सकता है कई बार तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पे है और ये ट्वेल्थ कॉन्जिक्यूटिव स्विटरलैंड ही जी आई आई को टॉप कर रहा है और नंबर पे यूएस है अगर हम सेंट्रल और सदरन एशिया की बात करें जिसका पार्ट इंडिया भी है तो इंडिया टॉप में आया नंबर एक में है मोस्ट इनोवेशन इकोनॉमीज के अंदर और इंडिया के बाद ईरान और उजबेकिस्तान है ठीक है तो ये भी एक स्टेटमेंट वो डाल सकता है कि सेंट्रल और सदरन एशिया में इंडिया टॉप है मोस्ट इनोवेशन इकोनॉमीज में तो वो आप कह दोगे इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट गाइस ओके अच्छा किसी को कोई भी पॉइंट में समझ नहीं आता तो अभी लेक्चर के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिखाऊंगा ठीक है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है जैसे भी हो अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर लेना और किसी की कोई पर्टिकुलर टॉपिक की डिमांड हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो उसको भी हम कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ सफूर्ति स्कीम इज अंडर विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज अब क्वेश्चन के अंदर कई बार ऐसे ही होता है अब यहां पर मैंने फुल फॉर्म नहीं दी क्वेश्चन के अंदर पेपर में भी ऐसा ही हो सकता है जरूरी नहीं है कि वो हर स्कीम के आपको फुल फॉर्म दे अब सफूर्ति की अब कई बच्चे होंगे उनको फुल फॉर्म ही नहीं याद आएगी तो वो आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ओके तो सफूर्ति कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है ये आपके चार ऑप्शंस हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एमएसएमई फाइनेंस ऑफ एम एस ओके अगेन फाइनेंस क्वेश्चन है या तो आता है या नहीं आता तुक्का लगा के तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता मुमकिन ही नहीं है तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों यहां पर आपका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई ठीक है एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आता है सफूर्ति के बारे में फटाफट से देख लेते हैं फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ठीक है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए बेसिकली ये स्कीम बनाई गई है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने बनाई है क्लस्टर डेवलपमेंट की इसमें बात होगी क्लस्टर बेसिकली क्या होता है जहां पर आप ऐसी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एक साथ डेवलप करने के लिए काम करते हो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के जो है कमीशन uh, जो है ये नोडल एजेंसी होगा जो बेसिकली इस क्लस्टर डेवलपमेंट की प्रमोशन करेगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं या आर्टिसन हैं उनको एक ग्रुप के अंदर क्लस्टर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वो और ज्यादा कॉम्पिटेटिव हों और लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाए इंप्लायमेंट क्रिएट हो पाए इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर और जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं उनको भी रोजगार मिले जो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स बना रही है उनकी मार्केट इंप्रूव करनी है ताकि वो मार्केट में जाकर के माल बिक सके उनकी मार्केटिंग अच्छे से की जा सके उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके इन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को ताकि उनको और ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिले और इन आर्टिस्ट्स के लिए और अच्छी क्वालिटी के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो अल्टीमेटली इनके प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में हेल्पफुल होंगे वो डेवलप करने हैं ठीक है थीके? तो ये ऑब्जेक्टिव हल्के से दिमाग में रख सकते हो रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है बस मोटा मोटा याद रख लो कि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को क्लस्टर में ऑर्गेनाइज करना है इंप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है प्रोडक्ट्स की मार्केटेबिलिटी करनी है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और उनके टूल्स एंड इक्विपमेंट जो हैं वो है वो ठीक करने हैं ओके तो जितना देसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे ना अगर आप हिंदी में सोचते हो हिंदी में चीजों को पकड़ो अगर आप इंग्लिश बोलते हो आपका जो रूटीन uh, लैंग्वेज uh, जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में है तो चीजों को इंग्लिश में अपने दिमाग में सेट करो तेलुगु में बोलते तेलुगु में सेट जिस में आप सोचते हो ना देखो खाली मेरे दिमाग में किस भाषा में बात कर रहा है अगर वो मुझसे हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा है तो जो मैं हिंदी लैंग्वेज में समझ पाऊंगा ना वो मैं किसी और भाषा में समझ नहीं पाऊंगा तो रीड करने के बाद उसको एक बार अपनी भाषा में अपने दिमाग के साथ कनेक्ट कर दो फिर वो चीज आप भूलोगे नहीं जो आप कंप्लेंट करते हो ना कि सर चीजें याद नहीं रहती हैं वो ऐसे याद रहनी शुरू हो जाएंगी फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी महेश्वर डैम न्यूज में था तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है महेश्वर डैम से रिलेटेड कहते हैं कि ये लार्जेस्ट डैम है गोदावरी नदी के ऊपर तेलंगाना स्टेट में दूसरा स्टेटमेंट है कि नागार्जुना श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है उसका ये पार्ट है बिल्कुल फैक्चुअल ये इंडिविजुअली भी पूछ सकता है कि महेश्वर डैम कौन सी स्टेट के अंदर है कौन सी रिवर के ऊपर है ठीक है या कौन से प्रोजेक्ट uh, का ये पार्ट है ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो गए तीन इंडिविजुअल क्वेश्चन बन गए पेपर में आ जाते हैं वो ठीक है तभी स्टेटमेंट बेस्ड जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो काफी हेल्पफुल रहेगा ये एपीएफसी एओईओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ एपीएफसी के लिए होंगे जैसे कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू वाले वो मैं बता दूंगा कि हाँ भाई ये एओईओ वाले बच्चे छोड़ दो और सिर्फ एपीएफसी वाले बच्चे करो तो यहां पर आपका आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ऑल राइट सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं समझ में आ जाएगा सबसे पहले तो जो आपका ये डैम है महेश्वर डैम ये नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व का पार्ट नहीं है ये किसका पार्ट है यहां पर देखो नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जिसके ऊपर आपका सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गई इस प्रोजेक्ट के अंदर अराउंड तीस बड़े और एक छोटे डैम बनाए जाएंगे नर्मदा वैली में और ये रिवर चरण के ऊपर प्रोजेक्ट है ठीक है तो गोदावरी नदी वाला पॉइंट था नंबर वन तो इसीलिए वो गलत हो गया और ये मध्य प्रदेश के अंदर है बेसिकली महेश्वर डैम तो रिवर चरण गंगा में है एंड ये लार्जेस्ट डैम नहीं है नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो लार्जेस्ट डैम है वो है आपका सरदार सरोवर डैम ओके तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने महेश्वर डैम नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो रिवर चरण गंगा है उसके ऊपर ये डैम बना है मध्य प्रदेश में और सरदार सरोवर डैम जो है वो इस नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट है या लार्जेस्ट डैम है ओके सिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी अभी ना यूनेस्को ने रिसेंटली अक्टूबर ट्वेंटी में कुछ टेक्सटाइल्स को इंडिया में हेरिटेज टेक्सटाइल्स का टैग दिया था तो आपको यहां पर अब कुछ टेक्सटाइल्स में शो कर रहा हूं बंजारा एम्ब्रॉयडरी भवानी जामकलम कलमकारी पश्मीना खेस तो इसमें से कौन सा हेरिटेज टेक्सटाइल्स की लिस्ट में था ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना स्पेशली एपीएफसी वाले और ईपीएफओ वाले भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये खेस चद्दर साड़ी पे तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है हर बार पिछली वाले में भी था दो वाले में भी था तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन है। आंसर पर आपका है ऑप्शन सी वन थ्री एंड फाइव ओनली ठीक है एंड इसका ऑप्शन है मैं आपको अब पूरी की पूरी लिस्ट दिखा रहा हूं याद करनी पड़ेगी हो सकता है कि वो पूरी की पूरी लिस्ट एक बार में याद ना हो एक बार में याद करने की जरूरत भी नहीं है उसका प्रिंट निकाल करके या उसको कागज पे लिख करके अपनी टेबल पे चिपका लो जहां पर पढ़ते हो ठीक है बीच बीच में देखते रहना जब थक गए एक बार नजर मार ली सोने से पहले नजर मार ली खाना खा रहे हैं नजर मार ली ये करना है मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो ठीक है मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो बस में ट्रैवल कर रहे हो उबर में ट्रैवल कर रहे हो ठीक है किसी शादी में घर वाले जबरदस्ती ले गए तो मोबाइल में स्क्रीन खोल करके पढ़ लिया इसी तरीके से ये फैक्ट जो है वो याद होते हैं तो टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड सुंगादी ये तमिलनाडु से है कौन सी कौन सी स्टेट से है वो भी याद करना है वीव्स हैदराबाद के बंदा टाई एंड डाई वीविंग सांबलपुर ओडिशा में खेस ये हरियाणा के पानीपत से है चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश से थिग्मा और वूल टाई एंड डाई फ्रॉम लद्दाख अवध जामदनी वाराणसी से इलकल एंड लंबाडी या जिसको बंजारा एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं कर्नाटका से सिकल नैकपेट कलमकारी थोवर से कुंबी वीव्स गोवा से माशरू वीव्स और पटोला गुजरात से हिमरू महाराष्ट्र से हिमरू वीव हैदराबाद से भी है और एक हिमरू महाराष्ट्र से भी है और गरत कोयरियल वेस्ट बंगाल से ठीक है जी ये याद करनी है लिस्ट स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी पीएम युवा टू पॉइंट ओ की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है ऑप्शन एनसीआरटी बी नेशनल बुक ट्रस्ट सी प्रथम डी यूपीएससी ईपीएफओ के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है सो वट विइट आंसर राइट आंसर यहां पर है आपका ऑप्शन बी नेशनल बुक ट्रस्ट पीएम यू वन टू पॉइंट ओ के बारे में थोड़ा सा जान लो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स ठीक है जी प्रधानमंत्री ने स्कीम को शुरू किया था बेसिकली जो यंग ऑथर्स हैं उनके लिए ये स्कीम है है एक तरह से मेंटरशिप प्रोग्राम जो यंग और उभरते हुए ऑथर्स हैं तीस साल से कम उम्र के उनमें रीडिंग राइटिंग बुक कल्चर को बेसिकली प्रमोट करना है ताकि इंडियन जो राइटिंग्स हैं वो ग्लोबली अपना मुकाम हासिल कर सके और नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा ये तीस साल से नीचे के ऑथर्स के लिए स्कीम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार वो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना स्टेटमेंट में डाल देता है पेपर में कंफ्यूज करने के लिए और बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखना है यहां पर इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ विद रेफरेंस टू फेस्टिवल कंसिडर द फॉलोइंग नंबर वन फुलन डे पे सेलिब्रेट होता है नंबर टू ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है नंबर थ्री पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सन गॉड को सेलिब्रेट करता है ये क्वेश्चन ईपीएफओ एओईओ वाले बच्चे इग्नोर कर सकते हैं ये क्वेश्चन के लिए है। ठीक है? जो, uh, UPSC, EPFO, का पेपर देंगे उनके लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन है तो यहां पर आपके ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फेस्टिवल से रिलेटेड ऑप्शन तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्यों इनकरेक्ट है देख लेते हैं तो बेटा ये बाथुकामा फेस्टिवल जो है ये नौ दिन का फेस्टिवल है जो तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में नहीं तो पहली बात तो ये हो गई दूसरा ये सन गॉड के नहीं के लिए नहीं बेसिकली ये एक मदर गॉडेस का फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है और ये स्पेशली फेस्टिवल जो है वो वुमेन सेलिब्रेट करती है तेलंगाना में इसको फ्लावर फेस्टिवल भी बोला जाता है और ये एंड ऑफ मॉनसून में सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाथुकामा फेस्टिवल से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं विद दिस दिस वी कम टू द एंड ऑफ लेक्चर आई होप आप लोगों को मजा आया होगा डाउट के लिए मैंने आपको बता दिया है टेलीग्राम व्हाट्सएप मेल कमेंट जरूर करें कमेंट करके लेक्चर कैसा लगा वो भी बताएं अपनी डिमांड्स को भी कमेंट में रखें कुछ अगर कमी लगी है तो वो भी कमेंट में बताएं ओके एंड पीडीएफ से रिलेटेड मैं आपको बता ही चुका हूं लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय